नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजनरेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो डायग्राम में जो आपको दिख रहा है बेटा, ये प्लेनेरिया है। ये क्या है? प्लेनेरिया। तो क्या होता है, जब प्लेनेरिया मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद अगेन फुल विथ न्यूट्रिशन होगा, तब प्लेनेरिया की जो बॉडी है ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है ना। अब ईच पीस, सपोज ये है उसका हेड रीजन, ये है उसका बॉडी रीजन, और ये वाला पार्ट है उसका टेल रीजन बेटा, टेल। ओके, तो क्या होता है, जब इसकी बॉडी एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है टुकड़ों में, पीसेस में, और इसकी जो ईच पीस है अगेन डेवलप्स इनटू द होल प्लेनेरिया बॉडी। देखो ये वाला हेड वाला रीजन है, ठीक है। हेड वाले रीजन में जो ने अदर पार्ट है बॉडी का, जैसे एक बॉडी और टेल, यहाँ से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं रिजनरेट हो जाएगा। फिर जो बॉडी वाला रीजन है, यहाँ पर हेड रीजन और टेल रीजन दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो टेल वाला रीजन था इसमें से बॉडी और हेड दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन प्लेनेरिया में इसलिए होता है क्योंकि रीजनरेशन टाइप की जो सेल होती है हम उसको रीजनरेटिव सेल कहते हैं, जो प्लेनेरिया में प्रेजेंट होती है। इसीलिए इसका ईच पीस ऑफ द प्लेनेरिया विल डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। ओके, होल बॉडी में क्या करेगा, ये इमेशिएट हो जाएगी इसकी बॉडी। इसी को हम बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। सो लेट मी राइट इंफॉर्मेशन अबाउट रीजनरेशन। सो क्या है, व्हेन प्लेनेरिया Planaria becomes mature, जब mature हो जाएगा and get full with nutrition, body of the planaria divides into three region. कौन कौन से थे? हेड रीजन, सेकेंड बॉडी रीजन, एंड थर्ड टेल रीजन। एंड ईच रीजन ऑफ द बॉडी एंड ईच पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ईच पार्ट and each part of the body develops into whole body of planaria, okay, due to presence of regenerative cell, whole body of planaria emaciated. This is called as regeneration. This is called as regeneration. Okay, देखो यहाँ पर एक जो बॉडी है प्लेनेरिया की, ये हेड रीजन, बॉडी रीजन और टेल रीजन में डिवाइड हो गया, एंड ईच पार्ट देन डेवलप्स इनटू द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रीजनरेट हो जाता है प्लेनेरिया की बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ planaria is reproduced. Understood? Easy, yes, है sir. बहुत easy है. Okay, तो इसका screenshot ले लो. ओके बेटा, यस, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके,
एवरीवन, एनी डाउट बेटा? यस सर, एनी डाउट हियर? यस सर, ना? हाँ बेटा बोलो। अंडरस्टूड एवरीवन? ये दिख रहा है ये? ओके, उसका काम तो समझ में आया बेटा। ऐसे रिप्रोड्यूस होता है कौन? प्लेनेरिया। ठीक है? यस सर। ओके, तो किसी को डाउट है तो पूछ लो यहाँ पर, दोनों रिप्रोडक्शन में। हाँ जी, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन इसलिए होता है क्योंकि इसके पास रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसका बेसिक रीजन है कि रीजनरेटिव सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है? यस सर। अब बच गया है बेटा हमारा बडिंग, और बडिंग कौन सा है? हाँ स्पायरोगायरा में। अच्छा, स्पायरोगायरा, ये भी सेम ही है, यहाँ पर भी रीजनरेशन होता है लेकिन ये स्पायरोगायरा प्लांट हो गया और ये एनिमल हो गया। ठीक है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर ये मल्टीपल फ्यूजन था, तो यहाँ पर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन खत्म। अब हमारे पास बच गया है बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, तो ये हम करेंगे शाम के लेक्चर में। ठीक है? yes. हाँ, शाम का लेक्चर होगा, आज तो अभी जो हुआ ये कल का लेक्चर है। ओके सर, ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल, नहीं शाम को, सवा सात बजे होगा ना? हाँ हाँ, डेली वाला टाइम 7:15। ठीक है सर। ओके सर। ओके, बाय बाय।